रूप रंधावा और आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन भी किया और इस वक्त वो अहमदाबाद में एक पंडाल में गरबा नृत्य देखने पहुंचे हैं। मोदी के गरबा पंडाल में पहुंचने से यहां की रौनक और बढ़ गई है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे गरबा डांसर्स बेहद मनमोहक नृत्य कर रहे हैं जिससे नवरात्र की रौनक और बढ़ गई है। चार जुगनो चुड़लो मानो सोल कड़ा नो अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन के इस उत्सव पर आज राष्ट्र खेलों का भी आगाज हुआ। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री अहमदाबाद के इस पंडाल में पहुंचे हैं जहां पर गरबा हो रहा है। गुजरात में गरबा डांडिया की परंपरा है। नवरात्र के 9 दिन तक मां की आराधना से इस पर्व की शुरुआत होती है। शाम में मां की आरती होती है और यहां पर इस पंडाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आरती में हिस्सा लिया। साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और उसके बाद शुरू होती है मां की आरती के बाद गरबा, गरबा के बाद डांडिया की परंपरा है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। गरबा और डांडिया पंडाल में चल रहा है। गुजरात की संस्कृति जिसके सीधा रूबरू होते हुए अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज नवरात्र का चौथा दिन है और 9 दिन तक ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री ने मां की आरती की। आपको बता दें कि गुजरात में 9 दिन तक मां की आराधना होती है नवरात्र के दौरान और हर दिन शाम के वक्त आरती से ही गरबा डांडिया की शुरुआत होती है। आज का दिन बेहद खास है। पहली बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद पंडाल में मां की आरती करते हुए और जिस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के उस वक्त भी हम देखा करते थे कि किस तरीके से बाकायदा गांधीनगर के पंडाल में वो जाया करते थे जहां पर विकलांग बच्चों के बीच वो गरबा का आनंद लेते थे, आरती में शामिल होते थे और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री हालांकि अब बन गए हैं लेकिन आज भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मां की आरती के साथ साथ इस पंडाल में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं मां अंबे की आरती करते हुए। अलग अलग इलाकों से कलाकार यहां पर मौजूद हैं जो आज के इस गरबा उत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। इस मौके पर देश भर में पूजा पंडालों को अलग अलग तरह से सजाया गया है जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा के कुछ पंडालों को इस तरह से बनाया गया है जिससे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पूजा पंडालों के दर्शन करवाती हूँ। कुष्मांडा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर शहर और घर मोहल्लों में मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है। नवरात्र के चौथे दिन भक्ति, आस्था और विश्वास का संगम मां कुष्मांडा के दरबार में आ पहुंचा है। मां के जयकारों से पूजा पंडाल और मंदिर गूंज रहे हैं और शक्ति स्वरूपा से उनके भक्त सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। Thank you.
इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, क्योंकि ना तो ये कोई मल्टीप्लेक्स है और ना ही कोई मॉल, बल्कि ये है दुर्गा पूजा पंडाल। लेकिन ना तो न्यूयॉर्क में है और ना ही कनाडा में और ना ही ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि ये खूबसूरत दुर्गा पंडाल है कोलकाता का। इस पंडाल को टूटे कांच के टुकड़ों से बनाया गया है और ये टुकड़े एक साथ जुड़कर इतने खूबसूरत हो गए हैं कि एक बार तो आंखों को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन ये 100% सच है। इस दुर्गा पंडाल के जरिए इनर पावर को दिखाने की कोशिश की गई है। आयोजकों का मानना है कि हर मनुष्य अपनी ताकत को समझ ले तो कुछ भी कर सकता है, और जगत जननी माँ दुर्गा साक्षात शक्ति की प्रतीक है। कहा जाता है कि विश्वास और भरोसे कांच की तरह होते हैं, क्योंकि एक बार अगर टूट जाए तो वो फिर वापस लौट के नहीं आता। लेकिन इस नॉर्थ कोलकाता की जो दुर्गा पूजा मंडप है, उस मंडप का नाम है चोर बगान सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी। और ये चोर बगान दुर्गा उत्सव कमेटी ने ये जो कांच का टूटने का जो कोट है उसको गलत साबित किया है, क्योंकि उन लोगों का वार्ता है कि जो कांच का जो आइटम्स होता है उनसे भी टूट जाने के बाद भी बहुत बढ़िया आर्ट इंस्टॉलेशन हो सकता है, और उसी को लेके एक बढ़िया आर्ट इंस्टॉलेशन किया है जो कि दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल और वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल को बनाया गया है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कांच के टूटा हुआ बोतल से लेके चूड़ी तक और बहुत सारे चीजों से इस पंडाल को सजाया गया है। कहा जाता है कि विश्वास और भरोसे कांच की तरह होते हैं। बहुत सारी चीजों से इस पंडाल को सजाया गया है। सिल्वर स्क्रीन की तरह खुलता ये दुर्गा पंडाल दक्षिणी कोलकाता के हाजरा का है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे के 100 साल पूरे होने पर दुर्गा पूजा कमेटी ने इस पंडाल में उनकी फिल्मों के फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाने की कोशिश की है। बता दें कि सत्यजीत रे की फिल्मों में महिला चरित्रों को ज्यादा तरजीह दी गई है। सौ साल पहले एक जीनियस इंसान ने जन्म लिया था कोलकाता में ही, और उनका नाम सत्यजीत रे था। एक ऐसे व्यक्ति जिनका कोई इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं, लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, लेकिन उनका काम है, उनकी सिनेमा है, उनकी राइटिंग्स है। और कोलकाता के हाजरा के इस पंडाल में इस साल का थीम सत्यजीत रे है, और सत्यजीत रे के फिल्मों के जो कैरेक्टर्स थे, फीमेल कैरेक्टर्स, महिला चरित्र, उनके ऊपर ये थीम है। ये हम सभी को पता है कि कैसे सत्यजीत रे के फिल्मों में फीमेल्स को दिखाया जाता था, कितने इम्पोर्टेंट होते थे, चाहे वो अपू ट्रिलोजी हो, पथेर पांचाली हो, देवी हो, घोरे बायरे हो, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और उनकी फिल्मों के नारियों को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, क्योंकि पूजा जो होता है दुर्गा पूजा नारी शक्ति की ही पूजा होता है। 100 साल पहले एक जीनियस इंसान ने जन्म लिया था, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। दुर्गा पंडाल में इस साल की थीम देवी पक्ष दिया गया है। माँ दुर्गा के जरिए यहाँ नारी शक्ति को दिखाया जा रहा है, इसीलिए पंडाल की दीवारों पर सत्यजीत रे की फिल्मों की नायिकाओं के चित्रों को उकेरा गया है। वहीं ये दुर्गा पूजा पंडाल अपने आप में अद्भुत है। इस पंडाल को देखने पर एक बार तो ये महसूस होगा कि जैसे आप किसी म्यूजियम में टहल रहे हैं,
क्योंकि इस पंडाल को म्यूजियम स्टाइल में ही बनाया गया है। हालांकि इस पंडाल में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे मैनुअल लेबर की जगह मशीनों ने ले ली है। पहले मजदूर एक साथ मिलकर किस तरीके से किसी इमारत को बनाया करते थे, लेकिन अब उनकी जगह मशीनों ने लेकर उनकी जगह को कम कर दिया है। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी उत्सव एक प्लेटफॉर्म होता है कुछ वार्ता देने की। ऐसे ही कोलकाता का एक पूजा पंडाल जो जिसका नाम है चालता बगान, उस पूजा पंडाल का संदेश है कि जैसे पहले पहले हम लोग देखते थे कि मैनुअल लेबर, और अभी जो बना है, जो हो रहा है दिन के दिन, वो है मशीन लेबर। वही मैनुअल लेबर को प्रमोट कर रहा है कोलकाता का चालता बगान का ये पूजा। हम लोग देख सकते हैं कि पूजा पंडाल जैसे करके बनाया गया है कि उसमें बहुत सारे हाथिया जो पहले मैनुअल लेबर की काम करते थे, उसी के साथ साथ जैसे बहुत सारे आदमी एक साथ कोई मॉन्यूमेंट या कोई भी मंदिर को बनाने में जुटते थे एक साथ, जैसे कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हैंडमेड पुली, जो पुली से भारी सामान को उठाया जाता था, वैसे ही करके ये पूरा जो दुर्गा पूजा का पंडाल है बनाया गया है। दुर्गा पूजा पंडाल की इन तस्वीरों को देखिए, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इससे भी खूबसूरत इसके पीछे छिपी कहानी है। इस पूजा पंडाल के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बिना मोशन के कुछ भी संभव नहीं है। 2 साल पहले कोरोना की वजह से ये मोशन थम सा गया था, जिससे चारों तरफ निराशा का माहौल था, लेकिन उसके बाद ये रौनक फिर से लौटी है। अगर 2 साल से देखा जाए तो कोविड के कारण कोलकाता में दुर्गा पूजा काफी थमक सा गया था। इस बार धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी हम लोग हैं नॉर्थ कोलकाता के टाला प्रत्यय पूजा मंडप में। इस पूजा का जो थीम है, थीम का नाम दिया गया है मोशन, और जो मूल जो धारणा है इस जो सुंदर आर्किटेक्ट का, वो है ह्यूमन मोशन, जो कि बताया जा रहा है कि बिना ह्यूमन की कुछ हो नहीं सकता और दुनिया भी चल नहीं सकता। इन पूजा पंडालों के जरिए माँ दुर्गा के दर्शन के साथ ही कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश की गई है। कोलकाता से अनिर्वन और सूर्योग्नि राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान में महिलाओं की एंटी हिजाब क्रांति से वहां की सरकार घबरा गई है। राष्ट्रपति रईसी की घबराई सरकार आंदोलनकारियों के दमन पर उतर आई है। आज इराक के कुर्दिस्तान में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल से हमले किए, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लेकिन ईरान सरकार की तोप और मिसाइलें भी आंदोलनकारियों के जज्बे को रोक नहीं पा रही हैं। ईरान में हिजाब का हिसाब करने सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों से ईरानी हुकूमत मिसाइल से बदला ले रही है। हिजाब के खिलाफ इंसाफ की मांग करने वालों पर राष्ट्रपति रईसी सरकार मिसाइलें दाग कर उनके पाक मंसूबों पर पानी फेरना चाहती है। हिजाब न पहनने पर हुई महसा अमीनी की मौत के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन इराक के कुर्दिस्तान में ही हो रहे हैं, और उसी कुर्दिस्तान में ईरान ने अब चुन चुन कर इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान की सरकारी IRNA समाचार एजेंसी और ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने गुरुवार सुबह इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल अटैक किया, जिसमें एक गर्भवती महिला सहित 13 लोगों की मौत हो गई। कर्डिश जो है वो इराक में भी है, ईरान में भी है, तुर्किया में भी है, सीरिया में भी है, सब जगह है ये कर्डिश जो ओरिजिन के लोग हैं। तो वहां पर वो लेडी चूंकि वहां की थी तो वहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। दूसरी चीज उनका ये एक्यूजेशन है, अब सच क्या है पता नहीं,
जो टर्किश में वहां से जो कर्डिश एरिया है वहां से आर्म्स एम्युनिशन आ रहे हैं लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। ईरान की डरी हुई हुकूमत ने कुर्दिस्तान पर हमले के लिए मिसाइल के साथ साथ ड्रोन की भी मदद ली। हमला कुर्दिस्तान में ईरान विरोधी समूहों को निशाना बनाते हुए किया गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि उन्होंने ऐसे लोगों को हमले में मार गिराया जिन्होंने हाल ही में दंगों का समर्थन किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्टेट टेलीविजन पर एक बयान में कहा है कि जब तक आतंकवादी समूहों के संगठन को खत्म नहीं किया जाता, खतरे को प्रभावी ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता। कुर्द क्षेत्र के अधिकारी अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। उधर अमेरिका ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ये इराक और उसके लोगों की संप्रभुता पर हमला है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी हुकूमत और उसकी पुलिस की बर्बरता से बच्चों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर हो रहा है। देखिए ईरानी पुलिस के जुल्म सितम से कुर्दिश बच्चा कैसे डरा सहमा हुआ है। इस बच्चे की आंख में हुकूमत के डर को साफ साफ देखा जा सकता है। ये बच्चा अनारक्षियों को खुद से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर उसकी घबराहट को बयां कर रहा है। लेकिन ईरान की बहादुर महिलाओं का ये प्रण है कि ईरानी हुकूमत से हिजाब का हिसाब लेकर ही वो दम लेंगी। ईरान की ये महिलाएं सरकार की आंखों में आंखें डालकर हिजाब से आजादी की मांग कर रही हैं। कभी हिजाब को हवा में लहराकर, तो कभी अपने बालों को काटकर, तो कभी हिजाब को आग के हवाले करके अपनी आजादी का ऐलान कर रही हैं। कोई शक नहीं है कि ये सरकारें दमन करती हैं जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। अगर आप ह्यूमन राइट्स एंगल से देखें तो डेफिनेटली एक वायलेशन होता है, लेकिन अगर आप उसको एक सिक्योरिटी के एंगल से देखें, सरकार उस वक्त किस तरह से प्रोटेस्ट को रोकेगी, तो देखिए मैं जानता हूँ कि एक्सेसेस होती हैं और हुई हैं, और लेकिन अभी जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट ने रिग्रेट किया है कि वो डेथ हुई उसकी लेडी की, जिस वजह से एक्शन ले रहे हैं जिनकी कस्टडी में रहा है, उसके बावजूद बार बार वो यही कह रहे हैं कि भाई इस पर राइटिंग नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट के अंदर। प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद को देखते हुए ईरानी हुकूमत के होश उड़ गए हैं। ईरान के खरसान प्रांत में प्रदर्शनकारियों के इस हुजूम को देखकर राष्ट्रपति रईसी सरकार की सांसें फूल रही हैं। ईरान में हिजाब का विरोध किस हद तक किया जा रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ईरानी महिलाओं के समर्थन में वहां की फुटबॉल टीम भी उतर आई है। एक मैच के दौरान जब ईरान का राष्ट्रगान बज रहा था तो वहां के खिलाड़ियों ने देश के प्रतीक चिन्ह को काली जैकेट से ढक दिया। बता दें कि करीब 12 दिन पहले हिजाब न पहनने पर ईरान की पुलिस ने महसा अमीनी को हिरासत में ले लिया था और हिरासत में ही अमीनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट का सवाल है, कहने का कि रेड लाइन है, तो देखिए किसी भी देश में अगर कोई प्रोटेस्ट होते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, अगर वो पीसफुल रहते हैं तब तक बातचीत होती है, नहीं तो कोई भी सरकार जो है उसको वायलेंस को रोकने के लिए, राइट्स को रोकने के लिए कोशिश शुरू करती है और कानून का इस्तेमाल। देखिए कोई भी कंट्री अगर कानून फॉलो नहीं करेगा किसी भी तरह का तो वहां पर एनार्की हो जाती है। लेकिन ईरानी पुलिस के जुल्म की इंतहा देखिए कि महिलाओं को वो कैसे बर्बरता से मारपीट रही है। ईरानी हुकूमत किसी भी तरह से हिजाब विरोधी आंदोलनों को कुचलना चाहती है, लेकिन महिलाओं के इरादे इतने बुलंद हैं कि हुकूमत थर थर कांप रही है। लेकिन महिलाओं के आक्रोश के आगे ईरान की रईसी सरकार डरी हुई है और किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि महसा अमीनी की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों की जान जा चुकी है। ईरानी सरकार ने बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया गया है। लेकिन आंदोलनकारियों की जिद और जुनून के आगे ईरानी सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं।
हालांकि बिजनेसमैन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईरान में इंटरनेट बंद होने पर स्टारलिंक का इंटरनेट चालू करने की बात कही थी। एलन मस्क ने कहा था कि ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन को लेकर इंटरनेट बंद होने के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को एक्टिव किया जा रहा है। मस्क ने जानकारी अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी के ट्वीट पर की थी। इस वीडियो को देखकर आप ईरानी महिलाओं के चट्टानी इरादों को समझ सकते हैं। देखिए महिला अपनी आजादी के लिए कैसे दमखम के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। ईरान में महिलाएं अलाव जलाकर अपने हिजाब को जलाकर लोगों में खुशी का इजहार कर रही हैं। वहीं कुछ महिलाएं अपने लंबे बालों को काटकर हिजाब से आजादी की मांग भी कर रही हैं। ईरान के लोगों का मानना है कि इस्लामिक क्रांति से पहले ये एक खुशहाल देश था, सबको खाने पीने और पहनने की आजादी थी, लेकिन 1989 के बाद बदले माहौल ने ईरान की सूरत और सीरत दोनों बदल दिए। हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं का कहना है कि उन्हें उनका खुशहाल ईरान चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत संधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।